बारहवीं फेल को लेकर विक्रांत मैसी की तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन इस फिल्म को देख मेधा शंकर की एक्टिंग भी लोगों के दिमाग में बस जाती है। हाल ही में आईएमडीबी के साथ बातचीत में मेधा शंकर ने कई दिलचस्प बातें साझा की है। मेधा का कहना है कि उन्होंने मुंबई में एक एक्टर के रूप में अपना सफर 2018 में शुरू किया था। 2022 में उन्होंने एक कास्टिंग एजेंसी की सहायता से विधु विनोद चोपड़ा के फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। मेधा को यकीन था कि यह रोल उनके लिए ही है और उनका यह विश्वास सच साबित हुआ। विधु ने मेधा को फोन किया और बताया कि उन्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया है। मेधा ने यह बात अपने पिता को बताई और उन्हें गले लगा लिया, भाई को फोन करके अपनी खुशी शेयर की। वैसे मेधा शंकर के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा था। एक बार उनकी हालत यह भी थी कि उनके अकाउंट में मात्र 257 रुपए थे। मेघा का कहना है कि वे ग्लैमर, सुंदरता या ड्रेसेस के लिए एक्टिंग में नहीं आई हैं, उन्हें शिल्प कला से प्यार है, इसलिए उन्होंने एक्टिंग की राह चुनी है। नेशनल क्रश उन्हें कहा जाता है। इस पर उनका कहना है कि यह बहुत प्यारा है और इसका मैं आनंद ले रही हूँ, लेकिन जानती हूँ कि यह सब पल भर का है।